मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं मैंने भट मैंने कुछ भी नहीं, चल छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, चल मैंने कुछ नहीं किया प्लीज, बता। मैंने कुछ नहीं किया प्लीज, मुझे छोड़ दो। माइक बहुत मोटी चमड़ी है इसकी, निगलवानी पड़ेगी, बर्फ पे नंगा लेटा कर खाल खींच इसकी, अपने आप सारे जुर्म कबूल करेगा। बर्फ मांगा, चल बे, चल कपड़े खोल, चल। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे कपड़े मत उतारो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज, फॉर गॉड सेक। ये चुप रहे नाइक, कपड़े खोल इसके, मेरे कपड़े मत उतारो प्लीज, मैंने नीरज को मरवाया है, मैंने उसको कहीं से पिकवाया था, संध्या के साथ ही मैंने बहुत बुरा किया, इसलिए वो मुझे मारना चाहती थी लेकिन खुद मर गई, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है और सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे पार्टी दे दो लेकिन मेरे कपड़े मत उतारो, मेरे कपड़े मत उतारो, मुझे पार्टी दे दो प्लीज, प्लीज मुझे पार्टी दे दो लेकिन नहीं, 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 क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया है? मेरा बेटा मुसीबत में, वो लोग उसे मार डालेंगे, वो लोग उसे मार डालेंगे, मार डालेंगे उसे, वो लोग मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे, मेरे बच्चे को मार डालेंगे, मेरा बेटा मुसीबत में। दादा साहब, भानी साहब ठीक तो हैं? वो चिल्लाए क्यों? उसने शायद कोई बुरा सपना देख लिया। आओ। वो लोग मेरे युवराज को मार डालेंगे, उससे जबरदस्ती सब कुछ बुलवा लेंगे, प्लीज प्लीज बचा लो उसे, प्लीज बचा लो उसे। भाभी आप इतना घबरा क्यों रही हैं? हम लोग हैं ना भाभी, हम युवराज को कुछ नहीं होने देंगे भाभी। वहनी साहब, हम सब ठीक कर देंगे, आप हिम्मत मत हारिए बस। जिंदगी में पहले कभी मुझे इतना डर नहीं लगा, कभी नहीं लगा, मैंने अपने आप को कभी इतना हेल्पलेस महसूस नहीं किया है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, मैं आप लोगों के हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। भाभी ऐसा क्यों कह रही हैं आप, हमेशा आप ही हमें हिम्मत दिया करती थी, अब आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? युवराज को कुछ नहीं होगा भाभी, युवराज को कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ उस सविता की वजह से हुआ भाभी, सब कुछ भाई साहब, अगर उसने केस को इतना स्ट्रांग नहीं बनाया होता, हम कब का युवराज को बाहर निकाल चुके होते भाई साहब, कब का। मेरा मन तो करता है कि संध्या की इन चारों बहनों का वो हाल करूं, इस सारी जिंदगी याद रखे हमें, पर क्या करूं भाई साहब, मैं कुछ कर नहीं सकता, पुलिस का शक सीधा हम ही पे जाएगा। पर आप लोग चिंता मत करिए, सविता को केस तो वापस लेना ही पड़ेगा। वो केस वापस नहीं लेंगे और ना ही वो हमारे सामने झुकेंगे। भाभी जो झुकते नहीं है वो टूट जाया करते हैं, और ये भी टूटेंगे, हमारे सामने टूटेंगे। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, और ये सब कैसे होगा? ठीक है, उसका रास्ता मेरे पास है भाई साहब। सविता और उसकी जितनी भी बहनें हैं, उन सभी को युवराज की रिहाई के रास्ते से हटना ही होगा। सेव केला, मौसम्बी, ये क्या कर रही हो तुम? अपनी
अपनी सोच का और आंखों का तालमेल करवा रही। मैं सिर्फ 4 साल की थी जब मेरी आंखें चली गई। उस वक्त जो देखा था वो सब ठीक से याद नहीं। चीजों को छूकर तो पहचान लेती हूँ, लेकिन आंखों से देखकर पहचानने में बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए चीजों को पहले छूकर पहचान रही हूँ, फिर आंखों से देख रही हूँ। देखने के बाद ऐसा लगता है किसी नई दुनिया में आ गई। बिल्कुल फिक्र मत करो, धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। और यही नहीं, कुछ देर बाद तो तुम्हें इंसानों और हैवानों में भी फर्क नजर आने लगेगा। फिर तुम ये भी समझ जाओगी कि हमारा कहना मानकर जागीरदार परिवार से बदला लेने का जो फैसला तुमने किया है वो भी सही है। और वृंदा, ये सब तुम्हें देखना ही नहीं है बल्कि उन हैवानों को इसका अंजाम दिखाना भी है, ताकि वो लोग मुझे अपनी ताई से मिलना, मुझे मेरी बहनों से मिलना है। आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, शायद आपको मेरी बहनों के बारे में भी पता होगा। हाँ, हम सब जानते हैं। तो आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं ना? मुझे मेरी बहनों से मिलना है। नीरज के बाद मेरी बहन ही मेरा सहारा है। प्लीज प्लीज आप उन्हें अभी फोन कीजिए ना। हाँ, अब तुम थोड़ा सब्र रखो, हम पे भरोसा करो, हम जरूर तुम्हें तुम्हारी बहनों से मिलवा देंगे। अभी तो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, पहले ठीक हो जाओ उसके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गायत्री जी, आप प्लीज मुझे मेरी बहनों से मिलवा दीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, बस एक और एहसान कर दीजिए, मुझे मेरी कम से कम मेरी बहनों से बात करवा दीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी बड़ी बहन सविता को इतला कर देते हैं। ठीक, पंकज जी आपके लिए चाय ले आऊं? क्या बात है, मैं कुछ दिनों से देख रही हूं कि आप मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रहे। तुमने रास्ता उल्टा पकड़ लिया है, मेरे और जागीरदार खानदान के खिलाफ जाकर। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? किया क्या है मैंने? झूठ बोला है तुमने मुझे, झूठ। उस दिन तुमने होटल में मुझसे झूठ कहा था कि सविता के नाम का लेटर लिखकर तुमने उसे फाड़ दिया था। अगर वो लेटर तुमने फाड़ दिया था तो वो लेटर सविता के हाथ में कैसे लगा?